प्रदूषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रदूषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे हुए है? क्या किसानों की सुनने वाला कोई नहीं? लंबे समय से रायगढ़ जिले में लाखा गांव के किसानों के सिर का दर्द बन चुका है यहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण। हर तरफ जहां देश भर में किसानों की जीत की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां किसान उद्योगपति से हार रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुनील इस्पात की, जिसके ऊपर पिछले लंबे समय से अधिकारियों के पास ग्रामीणों के द्वारा कई सारी शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये की वजह से यहाँ के किसान अब सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब आखिर में थक हार कर किसानों ने मशाल यात्रा निकाली है, ताकि सोया प्रशासन कहीं तो जागे। आप खुद सुन लीजिए किसानों की जुबानी कि किसान क्या कहना चाहते हैं। हम लोग आज सुनील इस्पात के विरोध में यहाँ से मशाल यात्रा निकाले थे, जो कारण ये है कि हम यहाँ डुबान हो गए। डुबान के कारण यहाँ कोई रोजगार नहीं है, बस खेती एक सहारा है, जो सुनील इस्पात के कारण वो भी अब नष्ट होते जा रहा है। कृपा करके जो भी प्रबंधक, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, वो हमारे समस्या को पूर्ण करें। हम सब गांव के युवा एवं किसान वर्ग किसानों के हित के लिए, ग्रामीणों के जीवन यापन के वातावरण के लिए, गांव को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आज हम सुनील इस्पात संयंत्र को गए थे, मशाल रैली द्वारा निकाले यहाँ से। और हमारा 13 सूत्रीय मांग है, जिसे अगर सुनील इस्पात संयंत्र पूरा नहीं करता है तो हमारा पूरा लाखा एवं किसान वर्ग एवं युवा वर्ग सुनील इस्पात संयंत्र जो अपना कंपनी का विस्तार करने जा रहा है उसका पूर्ण विरोध करेगा। प्रदूषण से किसान परेशान, सरकारी गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां, मगर क्या प्रशासन आंखों में पट्टी बांध कर बैठा हुआ है? ग्राम पंचायत लाखा से हम सभी युवा एवं किसान आज सुनील इस्पात संयंत्र में मशाल रैली के माध्यम से 13 सूत्री मांग को लेकर पहुंचे थे, क्योंकि सुनील इस्पात संयंत्र का आगामी 15 तारीख को जन सुनवाई होने वाला है क्षमता विस्तार के लिए। पर आपको यह बताना हमें जरूरी है कि ग्राम लाखा में पिछले 25-30 साल से 50 साल से जो किसान खेती करते आ रहे हैं, इससे निकलने वाले डस्ट से अभी हलाकान है, तो आने वाले समय में इनके लिए खेत तो रहेगा पर खेती करने के साथ साथ इनको डस्ट सहना पड़ेगा, और डस्ट के कारण इनका जो फसल, इनका जो उपज है वो बहुत ज्यादा बाधित होगा। इन सब मांगों को लेकर 13 सूत्री मांग है हमारा, जिसमें हम सीधा सीधा मांग करते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो, किसानों को उनका अधिकार मिले, किसानों को खेती करने के लिए उनका वातावरण मिले, और किसानों को खेती करने के लिए उनका उपकरण मिले। और क्या रायगढ़ के कलेक्टर सिर्फ एसी कमरों में बैठकर हुकुम बजा रहे हैं? अब ऐसे में देखना होगा कि जन सुनवाई के पहले जिस तरीके की समस्या है उससे निपटारा होता है, या फिर उद्योगपति पैसों के दम पर फिर से प्रदूषण को बढ़ावा देंगे और जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी। ऐसे में कलेक्टर क्या करते हैं और जनता किस तरीके से इस प्रदूषण से निजात पाती है? जनप्रतिनिधि मुंह पर ताला लगाए हुए हैं, अब किसानों ने अपने हाथ खोल दिए हैं। देखना ये होगा कि जल्द से जल्द इसे निपटारा होता है या ऐसे ही फसल बर्बाद होती रहेगी। टीसीबी 24 के लिए रायगढ़ से सुनील सराफ की रिपोर्ट।